आश्रय शर्मा हार की बौखलाहट में लगा रहे सिराज क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग के आरोप, भाजपा नेता ने किया पलटवार। भाजपा ने आश्रय शर्मा द्वारा सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को निराधार बताया है। भाजपा के मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राम सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी हार को सामने देखकर बौखलाहट में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा रहे। उन्होंने कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र अब मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और वहां की भोली भाली जनता हर बार मतदान को लेकर अग्रणी रही है। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा नेता राम सिंह। जिस प्रकार से कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिराज क्षेत्र के भोली भाली जनता पर बूथ कैप्चरिंग का जो आरोप लगाया, वो निश्चित रूप से उनकी हार जो उनको सामने नजर आ रही है उसकी हताशा का कारण है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिराज की भोली भाली जनता के स्वामी मान पर चोट पहुंचाई है, क्योंकि 2017 में भी सिराज की जनता ने 86% मतदान में करके लोकतंत्र को मजबूत किया और इस बार भी वहाँ उन्होंने अच्छा मतदान करके 82% के लगभग जो मतदान हुआ उसको मजबूत किया। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के जो कार्य को देखते हुए और हमारे प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा जी के जो 5 साल का उनका चाहे लोगों के बीच में जाना उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जहाँ हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें बड़े मार्जिन से जीत रही है, मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो आज तक का इस संसदीय क्षेत्र का जीत का मार्जिन रहा है, बहुत अधिक मार्जिन लेकर एक ऐतिहासिक जीत की ओर हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाएंगे और श्रद्धेय मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे।